सो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज आपके लिए लेके आए हैं हम लो राइज अपार्टमेंट, जो कि लॉन्च होने वाले हैं सेक्टर 95 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे लो राइज अपार्टमेंट तो बहुत कम लॉन्च हो रहे हैं एंड दीन दयाल के अंदर तो लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दीन दयाल पॉलिसी बंद हो चुकी है। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देखता हूँ आप वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो पे 1000 10 10,000 व्यूज तो आ जाते हैं, बट सब्सक्राइब बहुत कम बंदे करते हैं। सो गाइज, आपका ही बेनिफिट है, समय पे आपको एक अच्छी इन्फॉर्म मिल जाएगी, उस समय की ही कीमत है। ठीक है गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एक्चुअली क्या है, जीएमएस का काफी बड़ा लैंड पैच है वहाँ पे सेक्टर 95 के अंदर। वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी प्लॉटिंग लॉन्च कर रखी है, ठीक है, एंड इन्होंने प्लॉटिंग में महारत हासिल कर रखी है। सबसे ज्यादा प्लॉटिंग न्यू गुड़गांव में किसकी है? जीएमएस की है, अगर हम फेज वाइज बात करते हैं। देन इन्होंने प्लॉटिंग अपनी सोना में भी लॉन्च कर रखी है। सो इनके पास अप्रोक्स वहाँ पे 25 प्लॉट है, जहाँ पे ये अपने दीन दयाल कंट्री ही आते हैं वो प्लॉट। सो वहाँ पे अपने लोराइज अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है सेम जैसा कि सिग्नेचर लॉन्च करता है, एम्थ्रम ने लॉन्च की है सेक्टर 89 के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, इसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्ट, अबाउट लोकेशन, कनेक्टिविटी, पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है ग्राउंड, देन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसमेंट भी देखने को मिलेगा। बेसमेंट को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर वाले को मिलेगा ओनली बेसमेंट, फोर्थ फ्लोर वाले को मिलेगा टेरिस। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सिग्नेचर भी लॉन्च करता है, राइट। बट जो बेसमेंट का साइज है वो काफी बेहतरीन है, काफी बड़ा साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अप्रोक्स यहाँ पे मान कर चलो 3 BHK आप लेते हैं तो 263 स्क्वायर फीट का बेसमेंट मिल जाता है। अगर आप 2 BHK लेते हैं तो 220 स्क्वायर फीट का बेसमेंट मिल जाता है, मीन 10 बाय 20 का कमरा बहुत हो जाता है गाइस, बहुत बड़ा हो जाता है। 10 बाय 20 भी नहीं, ज्यादा ही हो जाएगा, 220 से 10 10 बाय 22 का आपको बेसमेंट मिल जाता है यहाँ पे। सो गाइस, अगर आप बात करते हैं एमिनिटीज की, यहाँ पे क्लब हाउस आपको 15 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है, क्योंकि ज्यादा अपार्टमेंट तो है नहीं, बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स है। सो 15 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट का तो आपको क्लब हाउस मिल जाता है, क्रिकेट पिच मिलती है, स्विमिंग पूल मिलता है, बैडमिंटन कोर्ट मिलता है, जो सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब मिलता है, AC आपको मिलते हैं। सो अब समझ लेते हैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे 25 प्लॉट है, 100 यूनिट आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे 2.5 BHK एंड 3.5 BHK है। जो साइजेस आते हैं 2.5 के, वो आता है 1408 स्क्वायर फीट का साइज आता है, एंड 3.5 BHK का जो साइज आता है 1745 स्क्वायर फीट का साइज आता है। बेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2.5 के साथ मिलता है 220 एंड 3.5 BHK के साथ मिलता है 265 स्क्वायर फीट का बेसमेंट। सो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप 3.5 BHK ले रहे हैं तो मीन्स आपको मिलता है 4.5 BHK, अगर आप 2.5 BHK ले रहे हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको 3.5, क्योंकि एक बेसमेंट में आपको बहुत ही बड़ा साइज एक रूम का आप मिल जाता है। उसको आप एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं, एज अ किड्स प्ले एरिया यूज कर सकते हैं, या फिर अपना पर्सनली एक छोटा सा योगा स्पेस बना सकते हैं, जिम बना सकते हैं, इट्स ऑन यू आप कैसे यूज करना चाहते हैं। या वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे ऑफिस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं। प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस जो यहाँ पे रहेगा 2.5 BHK स्टार्ट हो जाएगा 99 लाख से एंड गोज अप टू 1 करोड़ 10 लाख। इसके अंदर कार पार्किंग का अलग चार्जेस रहेगा एंड क्लब हाउस का अप्रॉक्स 1.5 लाख का चार्ज रहेगा। अगर 3.5 BHK की बात करते हैं तो प्राइस स्टार्ट हो जाता है 1 करोड़ 24 लाख एंड गोज अप टू 1 करोड़ 33 लाख। सो डिपेंड ऑन द साइज, आप कौन सा साइज लेना चाहते हैं, एंड डिपेंड ऑन द फ्लोर, आप कौन सा फ्लोर लेना चाहते हैं। अगर आप फोर्थ फ्लोर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा, बिकॉज आपको वहां पे टेरेस मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर का ऑब्वियसली बात है कहीं पर भी आप लेंगे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस रहता है, सेकंड और थर्ड का प्राइस सेम होता है। सो गाइस, अब एक बार समझ लेते हैं अबाउट बिल्डर। सो गाइस, जो बिल्डर है यहाँ पे रहने वाला है जेएमएस। जेएमएस ने काफी अच्छा काम कर रखा है मार्केट में, क्रॉसवॉक इन्होंने कमर्शियल बना रखा है 93 के अंदर, विच इज रेडी टू मूव। देन इन्होंने प्लॉट लॉन्च कर रखे 95 के अंदर, प्राइम लैंड के नाम से, प्राइड के नाम से, द नेशन के नाम से, इन्होंने मैट सिटी के नाम से भी प्लॉट लॉन्च कर रखे हैं सेक्टर 5 सोना के अंदर। देन दे लॉन्च हाई राइज प्रोजेक्ट इन सेक्टर 95, उसकी भी बुकिंग चल रही है, 9277 पे लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करते हैं लो राइज अपार्टमेंट, लो राइज अपार्टमेंट भी सेक्टर 95 में ही आ रहा है, नियर बाय दिस हाई राइज प्रोजेक्ट। ठीक है, ज्यादा प्लॉट है नहीं, मात्र 25 प्लॉट है, मात्र 100 यूनिट है, बहुत ही जल्द सोल्ड आउट हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, सो लोकेशन से, इस लोकेशन से मात्र मात्र आप मान के चले 2 मिनट के रास्ते पे, जस्ट सामने से थोड़ा सा राइट जाना है, वहां पे स्पेस का कमर्शियल मिल जाता है। वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 2 मिनट में आप स्पेस के कमर्शियल पहुंच जाएंगे। जीएमएस का क्रॉस वॉक है, अप्रॉक्स बाय कार से जाएंगे तो अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट लगना है, 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, जीएमएस का क्रॉस वॉक है। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल स्कूल्स, अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको मल्टीपल ऑफ स्कूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि डीएवी स्कूल है, ठीक है, सेंट जेवियर है, अपना सिद्धेश्वर है, यदुवंशी है, ये स्कूल आपको मात्र 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स आरवी हॉस्पिटल्स है, दे आर मल्टीपल ऑफ हॉस्पिटल्स ऑल्सो विद इन अ रेडियस ऑफ 3 to 2 किलोमीटर। सो ये होगी लोकेशन की बात। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मात्र 2 मिनट की ड्राइव है पटौदी रोड की। अगर आप NH8 की कनेक्टिविटी देखते हैं, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से अगर आप NH8 कनेक्ट करना चाहते हैं तो अप्रोक्स 10 मिनट का रास्ता है, अप्रोक्स 7 मिनट का रास्ता है द्वारका एक्सप्रेस वे का। द्वारका एक्सप्रेस वे की यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कनेक्टिविटी है, पटौदी रोड होके भी आप जा सकते हैं, ठीक है जी, या फिर आप एलान का जो वहाँ पे कमर्शियल है, एलान मिरेकल, आप उस साइड से भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे की। एंड हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी टाउनशिप है डीएलएफ की, अप्रॉक्स 110 एकड़ की टाउनशिप है नियर बाय। सो इन फ्यूचर ना यहाँ पे आपको रोड बहुत साफ सुथरे मिलेंगे, वेल मेंटेन मिलेंगे, 60 मीटर की रोड से एंट्री आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मिलती है, ठीक है जी। प्राइस मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर हम बात करते हैं पेमेंट प्लान, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान मिलता है। एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको 10 लाख रुपीज पे करना पड़ता है, देन विद इन 45 डेज आपको 25% कंप्लीट करना होता है। देन डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर वाइज, आप कितने स्ट्रक्चर तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ती है। मोटा मोटा मान के चलो 4 से 5 महीने के अंदर आपको 10-10% पेमेंट करनी होती है। बाकी अगर इसकी लेआउट्स आपको चाहिए हम आपको शेयर कर देंगे, जस्ट आपको हमें व्हाट्सएप करना है JMS Low Rise, जस्ट आपको व्हाट्सएप करना है JMS Low Rise, आपको मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा, पेमेंट प्लान शेयर कर दूंगा, इसकी लेआउट शेयर कर दूंगा। अगर आपको लोकेशन विजिट करनी है तो प्लीज नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लेना, आपको प्रॉपर विजिट कराई जाएगी, आसपास के प्रोजेक्ट्स की विजिट कराई जाएगी कि आसपास के डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स है, लोराइज अपार्टमेंट है, आशियाना के प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स है, सिग्नेचर के दीनदयाल वाले प्रोजेक्ट्स है, जस्ट लेफ्ट में ही सिग्नेचर के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, तो काफी मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स है। एंड जो सबसे अच्छी बात क्या है, नियर बाय हैबिटेशन अच्छा है, काफी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं नियर बाय, एंड सब प्रोजेक्ट में फैमिलीज रह रही है गाइस। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप न्यू गुड़गांव में रह रहे हैं, कुछ ऐसा एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे नियर बाय प्रोजेक्ट्स नहीं है, नियर बाय हैबिटेशन काफी अच्छा है, कमर्शियल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है लोराइज अपार्टमेंट में तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लेना, ज्यादा डिले मत कीजिएगा, ज्यादा यूनिट है नहीं, मात्र 100 यूनिट है। कभी भी कंपनी की साइड से मैसेज आ सकता है कि प्रोजेक्ट इज सोल्ड आउट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। किसी भी तरह की क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी आपकी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।